मित्रों, मैं एक अभी आपको बताया, हमारा समाज पूरे देश में शाक्य मौर्य सैनी कुशवाहा और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में माली समाज ऐसा देखा जाता है। पूरे देश में हमारा 15 से 20 कोटी समाज है और अभी यवतमाल में हमारे गोरे साहब वगैरह सब बैठे हुए यहाँ पे। पूरे देश में सत्य शोधक गोलमेज परिषद तमाम अलग अलग माध्यम से काम कर रहे हैं। मैं आपको गवाही देता हूँ इस पवित्र भूमि से, चूंकि आज समय बहुत कम है, कि हनुमंत काका मेरे 30 साल के अभियान में, मैं मेरे जीवन में 17 साल से लेकर 24-25 साल तक मैं हिंदू धर्म के आंदोलन में, मैं आरएसएस में था, मैं विश्व हिंदू परिषद में था, मैं हिंदू धर्म के सभी किताबों का अध्ययन करने के बाद मैं चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गीता, महाभारत, सारे धर्म के अध्ययन के बाद में मेरे जीवन में मैंने एक टर्नअप लिया और टर्नअप हमने हमारे जीवन में जो एक परिवर्तन किया, विश्व के सारे धर्मों को अध्ययन के बाद में तथागत बुद्ध का ये मार्ग सबसे अच्छा कैसे है, मैं एक 2 मिनट में इसको डिफाइन करूंगा। और मैं और मुझे यहाँ जो काका का जो परिवार था, आज कई साल से जब थे, मुझे महाराष्ट्र के विभिन्न ठिकानों में लेके गए, सोलापुर में, कोल्हापुर में, पुणे में, हर जगह कार्यक्रम हुआ। काका मुझको बोलते थे कि हर जगह, उन्होंने मेरे घर पे कई बार आए, उन्होंने मुझको एक प्रोत्साहित किया कि आप इतने धर्म ग्रंथों के अध्ययन के बाद में आप कुछ बुक्स लिखो, अध्ययन करो। लेकिन मैंने लाइफ में हमको लिखने का मौका नहीं मिला। मित्रों, मैं आपको गवाही देता हूँ इस भूमि से कि कोटि कोटि लोग पूरे देश के अंदर 16 राज्य में हमारा वर्क चालू है, हमारा मिशन बा चालू है, हमारी कम से कम 150 संगठनें चालू हैं पूरे समाज के अंदर। हमारा अभी जो यादव समाज है, यादव शक्ति के माध्यम से पूरा यादव समाज उत्तर भारत में धर्म क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। आप सब यादव शक्ति मैगजीन को आप देखिए। हमारा जो मौर्य साक्या समाज है, महाराष्ट्र में माली समाज है, विभिन्न जगह पूरा कार्यक्रम लगा रहे हैं। ये हमारी ये दीक्षा का एक शुरुआत है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये धर्म पूरा देश ये धर्ममय नहीं होगा, मित्रों, बाबा ने कलम के बल पर पूरे देश को, पूरे भारत को बौद्धमय कर दिया है। बाबा ने जीवनामधी कुठलाही काम शिल्लक ठेवना नहीं, हा लक्षात ठेवा तुम्ही, बाबा ने कलम के बल पर पूरे भारत को बौद्ध में कर दिया है। चाचा और बापू को समझा ही नहीं, चाचा और बापू को समझा ही नहीं, बाबा ने पूरे भारत को बौद्ध में कर दिया। बाबा ने नोट में दिया, बाबा ने संविधान में दिया, बाबा ने पार्लियामेंट में दिया। बाबा जो आज इस भारत में सबसे अच्छा जो रत्न भारत रत्न मिलता है, उसमें भी हमारा पीपल के पान के बीच में सम्राट अशोक का लाट, ध्वज में दिया, नोट में दिया, करेंसी में दिया। बाबा ने कलम के बल पर पूरे भारत को बौद्ध में कर दिया है। हमको धम्म को बताना है। अभी तक हमको धम्म को, ये भगवान बुद्ध का धम्म इस विश्व में सबसे सर्वोत्तम धम्म है, इसको हमको चर्चा करना है। एक 2 मिनट में डिफाइन करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम है और हमको पूरे देश में काम चलाना है। मित्रों, मैं मेरे लाइफ में जो कुरान शरीफ, बाइबल, तौरेत, जिबूर, वेद, पुराण, उपनिषद, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद में जो हम लोग आज धम्म की तरफ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हिंदू धर्म में उनका चारों वेद आसमान से आई हुई किताब है, कुरान शरीफ भी कहता है कि वो ऊपर से आई हुई किताब है, बाइबल भी बोलते हैं आसमान से आया हुआ किताब है। भगवान बुद्ध का धम्म ये भगवान बुद्ध की कही हुई वाणी है, ये आसमान से आई हुई किताब नहीं है। हिंदू धर्म में धर्म का ठेकेदार लंबी दाढ़ी, बाकी के सारे धर्मों में धर्म का ठेकेदार लंबी दाढ़ी, हमारे तथागत बुद्ध के धर्म में पूरा साफ है, मामला साफ है, ट्रांसपेरेंट है। हिंदू धर्म में स्त्रियों को धर्म का अधिकार नहीं है, मुस्लिम धर्म में स्त्रियों का धर्म का अधिकार नहीं है, क्रिश्चियन में स्त्रियों को धर्म का अधिकार नहीं है, तथागत बुद्ध ने धर्म में स्त्रियों का सबसे पहले अधिकार दिया, प्रथम अधिकार दिया। हिंदू धर्म में एको अहम द्वितीयो नास्ति मम शरणमियामि, मेरी शरण में आ जाओ। इस्लाम कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, अल्लाह की शरण में जाओ। क्रिश्चियन बोलते हैं गॉड की शरण में जाओ। हमारा भगवान बुद्ध का धर्म कहता है हमको किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। अत्यदीपो अपने अंदर जाओ। हिंदू धर्म में स्वर्ग नरक का कंसेप्ट है, इस्लाम में जन्नत जहन्नम का कंसेप्ट है, ईसाई में हेल हीवन का कंसेप्ट है, भगवान बुद्ध के धम्म में इसी जीवन में ही स्वर्ग नरक है, ऊपर कहीं आसमान में स्वर्ग नरक नहीं है। हिंदू धर्म में बलि प्रथा है, इस्लाम में बलि प्रथा है,
क्रिश्चियन में पूर्व बलि प्रथा है। भगवान बुद्ध के धर्म में किसी जीव को मारना कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में जो वेद में लिखा है, वेद में भले लिखा हो ब्राह्मण मुख मा जायते बाहु राजेन्द्र कृतम उरु यदस्तभ्या शूद्रम जायते, वेद में लिखा, मैं भूल गया था, आज का सबसे पवित्र दिन हमारी गुलामी की उस पुस्तक को बाबा साहब ने जलाया था, उसको भी हमको याद करना है। चूंकि मैं थोड़ा सा मैं खूब डिस्टर्ब हूं कि थोड़े ही समय में हमको बोलना था यहां पर, तो उस पुस्तक को क्यों जलाया? चूंकि जहां वेदों में मनुस्मृति में ब्राह्मण मुखमा जायते बाहु राजेन्द्र कृतम उरु यदस्तभ्या शूद्रम जायते, वहीं तथागत बुद्ध ने कहा था न जटा ही गोत्र न जच्चा हो तो ब्राह्मण है, सच्चंद धमू सोच ब्राह्मण है। मैंने कितना फर्क है हिंदू धर्म में आज तक। एक जो चार शंकराचार्य है, शंकराचार्य के अभी बाबा रामदेव खूब चिल्लाता है, वो ओबीसी समाज का है, कितना मूर्ख बना रहा है, लेकिन वो जगत शंकराचार्य की पदवी पर जीते जी वो बैठ नहीं सकता। उसको नहीं मालूम है, वो जिस पतंजलि की बात करता है उसको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मित्रों समय नहीं है, मैं खूब चर्चा करूंगा यहां बताऊं। मैं हिंदू धर्म में शंकराचार्य के अतिरिक्त कभी कोई स्त्रियों को धर्म का अधिकार नहीं, इस्लाम में आज तक कभी कोई स्त्री मौलाना मौलवी हुई क्या? क्रिश्चियन में पोप जॉन पॉल फादर उनका होता है आप देखिए, लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म में स्त्रियों का सबसे बड़ा सम्मान सबसे बड़ा अधिकार है। मैं इस विषय पर मैं घंटों बोल सकता हूं कि आज हमारा जो ओबीसी समाज है, काका हमको हमेशा कहते थे कि हम हमारे घर में जा रहे हैं, ये बराबर है। मुझे याद है कि हम उत्तर प्रदेश में हम लोग एक कार्यक्रम लगा रहे थे, वहां हमारा ऐसा कार्यक्रम घर वापसी का कार्यक्रम था, हमारी विभिन्न संगठनाएं पूरे देश में चल रही है घर वापसी का कार्यक्रम, तो हम लोग आ घर लौट चले ऐसा कार्यक्रम था। इन्होंने आगरा में बोला घर वापसी शॉर्टकट, दो चार टोपी पहनाया, उन्होंने पैसे दिए, बुलाए, बिठाए, और वहां पे उन्होंने कहा कि अरे इतने इतने लोग हमारे यहाँ आ गए। बाद में पता चला कि उसे पकड़ के पैसे देकर उनको बुलाया गया, उनसे इंटरव्यू लिया गया, तो हम लोग मीडिया पर आया, हमसे पूछे अरे भाई ऐसा ऐसा इस ढंग से घटना थी। बोला जिस घर के अंदर जहां इंसान तो क्या, जहां जानवर से बदतर पोजीशन है, जिस घर के अंदर दया नहीं है, क्षमा नहीं है, करुणा नहीं है, मैत्री नहीं है, प्रेम नहीं है, जिस घर के अंदर छुआछूत है, अस्पृश्यता है, जिस घर में भाईचारगी नहीं है, उस घर में हम लोग कैसे जा सकते हैं? अभी घर छोड़ने का वक्त आ गया है मित्रों। और कैसे मैं आपको इस भूमि से मैं आपको गवाही देता हूं, हमारे महाराष्ट्र में अभी मैंने राठौड़ जी को कहा था कि इस तरह से मुंबई में हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, हमारे बहुत से बड़े बड़े तमाम अधिकारी यहाँ आए हुए बैठे हुए हैं, मेरे उनसे नम्र निवेदन है कि हमारा एक मिशन बा चल रहा है पूरे देश के अंदर, मिशन बा, उस मिशन बा का नेता कोई मैं नहीं हूँ, उस मिशन बा का नेता बाबा साहब अम्बेडकर है, मिशन बा। और मिशन बा मीन्स बी फॉर बुद्धा ए फॉर अशोक, बी फॉर बुद्धा ए फॉर अकबर, बी फॉर बुद्धा ए फॉर अम्बेडकर, मिशन बा मीन्स बाबा साहेब दिलेले बाईस प्रतिज्ञा अभियान, मिशन बा मीन्स बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मिशन बा मीन्स बी ए बाबा साहेब अम्बेडकर, मिशन बा मीन्स बाबा चा अपूर्ण नाव, मिशन बा मीन्स ज्योति बाबा चा बा, मिशन बा मीन्स गाड़गे बाबा चा बा। आणि ज्यावेळी कोटी कोटी ओबीसी समाज धम्माकडे येणार त्यावेळी मिशन बाबा चा बाबा होऊन जाईल। जय भीम।